हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फिक्स राउंडेड शोल्डर्स इंस्टेंटली। अब यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है नेक पेन और शोल्डर पेन। अब ये दोनों इसलिए मैंने साथ में लिखा है, जब भी लोग नेक पेन, शोल्डर पेन या स्पेशली अपर बैक पेन का कंप्लेंट लेके हमारे पास आते हैं, जब भी हम उनका कंसल्टेशन करते, उनका पोस्चर एनालिसिस करते, उस टाइम 90% लोगों का जो पोस्चर होता है, उनके जो शोल्डर्स होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे राउंडेड होते हैं। तो गाइज, ये नेक पेन या शोल्डर पेन जब भी हमें होता है तो इसके पीछे हमारे राउंडेड शोल्डर्स या उसके साथ हमारा हंच बैक, उसके साथ हमारा फॉरवर्ड हेड, जो भी हमारा अपर क्रॉस सिंड्रोम होता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो पोस्चरल चेंजेस हमारे बॉडी में जब होते हैं ना, तो ये एक दिन में नहीं होते, ये धीरे धीरे हमारा रॉन्ग सिटिंग पोस्चर, हमारे बैठने उठने का तरीका, हमारे स्टैंडिंग पोजिशन, सिटिंग पोजिशन, कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। और इसलिए जो हमारे शोल्डर्स होते हैं राउंडेड बनना शुरू हो जाते हैं, हंचबैक निकलता है या हेड फॉरवर्ड चला जाता है। तो जो भी अपर क्रॉस सिंड्रोम हमें क्रिएट होता है हमारे बॉडी में, उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि लोगों को नेक पेन हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, अपर बैक पेन हो सकता है। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी हमें पेन शुरू हो जाते हैं ना, तब हम इस चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर देते। तो हम क्या करते हैं, नेक पेन शुरू हो जाता है तो डॉक्टर के पास भागते हैं, मेडिसिन शुरू कर देते हैं, कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइजेज शुरू कर देते हैं। बट गाइज, काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया या लोग हमें बोलते भी हैं, जब भी एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी थेरेपी लेते हैं ये पेन कम करने के लिए, तो कुछ टाइम के लिए उनका पेन चला जाता है, फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद पेन वापस आना शुरू हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वो हमारे जो रॉन्ग पोस्चर होता है ना, जो हमारा राउंडेड शोल्डर्स हो या फिर हंचबैक हो या फिर फॉरवर्ड हेड हो, ये पोस्चर उसके पीछे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपका जो भी नेक पेन होता है, शोल्डर पेन होता है, जैसे मैंने बोला कि 90% लोगों का जो पोस्चर प्रॉब्लम होने की वजह से पेन शुरू होता है, तो रूट कॉज क्या होता है, हमारा पोस्चर में प्रॉब्लम आना। अगर आप जब तक वो पोस्चर के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, उसको आप करेक्ट नहीं करोगे, तब तक ये जो पेन होते रहता है नेक में, शोल्डर में, अपर बैक में, ये फ्रिक्वेंसी बढ़ती रहेगी, चला जाएगा, कुछ दिन बाद फिर वापस आएगा। तो अगर आप चाहते कि ये परमानेंट चला जाए, तो आपको आपके पोस्चर के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सिंपल एक्सरसाइजेस होते हैं, वो आप अगर रेगुलरली फॉलो करोगे, उसके साथ आज मैं इस वीडियो में स्पेशली आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, एक सेल्फ राउंडेड शोल्डर जो हमारे होते हैं उसको इंस्टेंटली हम कैसे सीधा कर सकते हैं, इसका एक सेल्फ ट्रैक्शन थेरेपी बताने वाला हूँ, तो वो हम आगे देखेंगे वीडियो में इसको कैसे करना है। तो आपको जो ये जो पोस्चर होता है, आप ये पोस्चर करेक्ट करोगे ना, तो बिलीव मी, आपका नेक पेन, शोल्डर पेन और अपर बैक पेन जो बार बार वापस आते हैं ना, वो नहीं आएगा और वो परमानेंटली ठीक हो जाएगा। तो लोग काफ़ी बार कमेंट में पूछते हैं कि सर, पेन परमानेंट ठीक होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसका आंसर ये है, आपको आपका जो पोस्चर है उसको ठीक करना पड़ेगा। पोस्चर जैसे आपका ठीक हो जाएगा 100%, आप यकीन करें आपका पेन भी 100% ठीक हो जाएगा। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपके राउंडेड शोल्डर जो बनते हैं उसको आप इंस्टेंटली करेक्ट कैसे करेंगे। जो मैं ट्रैक्शन थेरेपी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये थेरेपी क्या करेगी, आपके जो शोल्डर्स होते हैं, आप जब भी काम करने के लिए बैठते ना, आप अगर ध्यान में रखेंगे कि मुझे शोल्डर सीधे रखने, तो कुछ 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप सीधे रखोगे, उसके बाद जब आप काम में चले जाते हो ना, तो आपके बाय डिफॉल्ट शोल्डर ऐसे होने लगते, धीरे धीरे आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आप काम में बिजी होते हो, आपका पोस्चर के ऊपर से ध्यान हट जाता है। तो ये जो थेरेपी हम आज करने वाले सेल्फ ट्रैक्शन, ये क्या करेगी, आप कितना भी देर बैठो, 1 घंटा 2 घंटा, आपके शोल्डर को कंपलसरी वो पीछे खींच के रखेगी। अब इसको करने के लिए हमें चाहिए होता एक बेल्ट। अब ये पोस्चर करेक्टर बेल्ट भी आप इसको बोल सकते हो। ये मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ कि ये बेल्ट हमें सेल्फ कैसे बांधना है, ताकि आप 2 घंटे 3 घंटे के लिए आप लैपटॉप के ऊपर काम करो, मोबाइल के ऊपर काम करो, तो आपका जो पोस्चर धीरे धीरे ऐसे होने लगता है ना, उसको हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कैसे सीधा रखेंगे। आप ये बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन मत कीजिए, सिंपल है, वीडियो को आप बार बार देखिए, ताकि आपका जो भी इसको बांधने का जो स्टाइल है वो एक बार आपको आ गया ना, तो फिर आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, ये बेल्ट है, सबसे पहले तो ये बेल्ट हमारे पास अवेलेबल है, अगर आपको कहीं से भी मिल जाए तो आप वहाँ से खरीद लीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमें नीचे जो नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर कॉल या मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हो। अब ये जो बेल्ट है, अब हम देखेंगे इसकी हेल्प से हम कैसे हमारे जो राउंडेड शोल्डर्स है उसको सेल्फ इंस्टेंटली सीधा करेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बेल्ट के ना 2 एज है, एक साइड में एक क्लिप लगा हुआ है और दूसरा साइड इसका ऐसे नॉर्मल है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इस बेल्ट को ऐसे आपके बैक से, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ऐसे अपना जो अपर बैक होता है वहाँ पे ऐसे लगा के लेना है, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि इस बेल्ट जब आप लगा रहे हो तो इसमें कोई टेढ़ापन ना आ जाए, एकदम सीधा रहे। अभी लगाने के बाद बहुत सिंपल है, मैंने इसको क्या किया, बस बैक से ऐसे लगा लिया। अब इसके दोनों एंड मेरे हाथ में, अब मैं क्या करूँगा, ये जो क्लिप वाला एंड है ना, इसको थोड़ा सा खींच लूँगा,
अब ये क्लिप वाला एंड हमें कम चाहिए और दूसरा जो एंड है ये ऐसे हमें थोड़ा ज़्यादा लेंथ वाला चाहिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस बेल्ट को ऐसे आपके शोल्डर के ऊपर से ऐसे घुमा के लेना है, ठीक है, जो आपके आर्मपिट के वहाँ से आएगा। अब दूसरे एंड को भी आपको शोल्डर के ऐसे घुमा के लेना है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आप मत कीजिए। अब आप देखिए पीछे से मैंने क्या किया, बस इसको हल्के से ऐसे घुमा के ले लिया। अब गैस काफ़ी बार क्या होता है, हम इसको खुद से बांधते हैं ना तो काफ़ी बार इसमें ना ऐसे ना ये बेल्ट ऐसे घूम जाता है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसको मिरर में देखिए पीछे से ये सीधा है कि नहीं। यस, अब ये दोनों एंड मेरे हाथ में, अब आपको क्या करना है यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर लेना है, ठीक है। अब क्रॉस करने के बाद ये मैंने क्रॉस कर लिया, अब एक साइड को इस साइड से लेके आना है और दूसरे साइड को आगे से चेस्ट के नीचे से यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। अब ये क्या होता है, काफ़ी बार स्लिप होने लगता है, तो आप एडजस्ट करते रहिए इसको धीरे धीरे, ऐसे आपका थंब डाल के इसको चेक करते रहिए, ठीक है। अब ये दो मेरे एंड हाथ में हैं, हमने क्या किया पहले ये क्रॉस कर लिया, क्रॉस करने के बाद इसको ऐसे हमने पकड़ा है। अब हम क्या करेंगे, जो क्लिप वाला एंड है ना इसको ऐसे पकड़ के जो दूसरा वाला बड़ा सा एंड है ना इसको ऐसे अगेन एक बार फिर से इसको ऐसे रोटेट कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो एंड है हमने रोटेट कर लिया, अब अगर ऐसा टेढ़ा हो रहा है तो आप इसको थोड़ा सीधा कीजिए, ठीक है। तो अब मेरे हाथ में फिर से इसको हमने घुमा के ले लिया, अब घुमा के लेने के बाद अब मेरे हाथ में ये दो एंड बचे। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे यहाँ पे लगाऊंगा और इस क्लिप में ऐसे लॉक करके इस बेल्ट को ऐसे टाइट करके लूँगा, ठीक है। अब आप फिर से देखिए पीछे से, इस बेल्ट को हमने ऐसे क्रॉस कर लिया, क्रॉस करने के बाद इसको ऐसे यहाँ से घुमा के लिया, फिर एक क्लिप वाला पोर्शन आगे आया, फिर इसको जो बचा हुआ था एंड था इसको हमने फिर से एक बार घुमा के लिया और इस क्लिप में लॉक कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये हो गया हमारा जो भी सेल्फ ट्रैक्शन वाला था। अब आपको क्या करना है, दोनों थंब से यहाँ पे ऐसे चेक कर लेना है। अब ये जो बेल्ट है ना गाइस, यहाँ पे आर्म पिट के वहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा टाइट मत कीजिए, लोगों के मानना होता है जितना टाइट करेंगे उतना जल्दी ठीक होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इसको आप थोड़ा सा आपका जो थंब है वो आराम से पास हो जाएगा, इतना डिस्टेंस आपको इसमें रखना है, ठीक है, इतना गैप इसमें रखना है। अब आप फिर से देखिए आगे से ऐसा दिख रहा है, ये दोनों बेल्ट आपको दिखेंगे, ये वाला दिख रहा है, उसके बाद पीछे से क्रॉस आपको दिख रहा होगा और ये जो हमने बांध के लिए वाला बेल्ट। अब देखिए इस बेल्ट ने क्या किया, मेरे जो शोल्डर्स ऐसे आगे झुक रहे थे ना उसको ऐसे पकड़ के रखा है। अब ये बेल्ट बांधने के बाद मैं जब लैपटॉप के ऊपर काम करूँगा, मोबाइल के ऊपर काम करूँगा, मैं भले उस काम में कितना भी एंगेज हो जाऊँ, बिजी हो जाऊँ, ये बेल्ट मेरे शोल्डर को बिल्कुल आगे नहीं आने देगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे होल्ड करके रखा है। अब ये बेल्ट क्या कर रहा है, पैसिवली आपका जो पोस्चर उसको करेक्ट कर रहा है। अब इस बेल्ट को आप क्या करो, जब भी आप काम करना शुरू कर देते हो, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो आप इसको घर पर आराम से रख सकते हो, 2 से 3 घंटे के लिए आपको इसको रखना है। जब भी आप काम करने लगते हो तो 2-2.5 घंटे के लिए आप इसको कंपलसरी रखिए। आप होगा क्या, इनिशियली क्या होता है, लोगों को इस बेल्ट की आदत नहीं होती या इस पोस्चर की आदत नहीं होती, तो उनको ये पोस्चर काफ़ी देर के लिए हम रखते हैं ना तो काफ़ी लोगों को हाथ में नमनेस या फिर मुंगी या फिर टिंगने ऐसे सेंसेशन शुरू हो जाते हैं। तो जैसे आपको लगे कि आपके हाथ में नमनेस आ रहा है या फिर कुछ मुंगी आ रही है, जो भी कुछ डिस्कम्फर्ट सा फील हो रहा है, चाहे फिर वो हाथ में हो शोल्डर में हो, आप इमीडिएटली इस बेल्ट को निकाल दीजिए। तो थोड़ा ब्रेक लीजिए 1-1.5 घंटे का, थोड़ा नॉर्मल होने के बाद फिर से आप इसको बांध के रखिए। तो आप क्या करो, दिन में इसको 3 से 4 घंटे के लिए कंपलसरी बांध के रखिए। देखिए जितना आप इसको बांधेंगे ना आपके शोल्डर ऐसे रहेंगे, और एक बार आपको ये आदत लग गई ना मसल्स को आपकी इस पोजीशन में आपके शोल्डर को होल्ड करने की जब आदत लगेगी ना, तो धीरे धीरे आपका जो पोस्चर है ना आप देखिए इंस्टेंटली ऐसे होना शुरू हो जाएगा। अब गाइज ये एक ट्रिक जो मैंने आपको बताया ये तो आप इमीडिएट शुरू कर दीजिए, आज से शुरू कर दीजिए, बट इसके अलावा राउंडेड शोल्डर को ठीक करने के लिए, राउंडेड शोल्डर जो होते हैं उसको ठीक करने के लिए एक्सरसाइज कौन से करनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ हमें एक्सरसाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वो एक्सरसाइज भी शुरू कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आपका जो सिक्वेंस रहेगा, सुबह उठने के बाद आप एक्सरसाइज करेंगे, जो भी आपका प्रोग्राम रहेगा एक्सरसाइज वो करेंगे, उसके बाद जब आप काम शुरू करेंगे, चाहे फिर आप ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइविंग के टाइम पर आप इसको बांध सकते हो, आप काम शुरू कर रहे हैं उसके बाद 3-4 घंटे के लिए इसको बांध के रखिए, फिर शाम को इसको छोड़ने के बाद आप फिर से एक्सरसाइज कीजिए। तो जितना आप उस शोल्डर के ऊपर काम करेंगे, पोस्चर के ऊपर काम करेंगे, आपके जो राउंडेड शोल्डर्स है ना वो एकदम इमीडिएट ऐसे सीधा होना शुरू हो जाएंगे। तो गाइज
ये जब भी हमें बेल्ट बांधते हैं, जब भी शोल्डर हमें पीछे जाती है ना, इसके साथ इसकी वजह से जो नेक पेन होता है या जो शोल्डर पेन होता है या जो अपर बैक पेन होता है, ये इमीडिएट कम हो जाता है। आप लोगों को अगर अभी पेन हो रहा है तो आप बेल्ट बांध के देखिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अब ये बेल्ट क्या कर रहा है, फंक्शन इसका क्या है, ये आपके शोल्डर्स आगे थे उनको पीछे खींच रहा है। सेकंड चीज़, जो मेरा स्कैबुला थे, ये जो एरिया होता है यहाँ पे पेन होता है लोगों को, ये जो उठ जाता है ना, इसको ये जो बेल्ट है ना, ये डिप्रेस करके रखते हैं, क्योंकि ये उठने की वजह से आपका पोस्चर गड़बड़ हो जाता है, उसमें भी काफ़ी लोगों के यहाँ पे डिस्कम्फर्ट रहता है इस वाली एरिया पे। तो ये बांधने से क्या होगा, एक तो यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, मसाज का इफेक्ट मिल रहा है, उससे बहुत रिलीफ मिलता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने देखा कि इस बेल्ट की हेल्प से हम कैसे हमारा जो राउंडेड शोल्डर है उसको करेक्ट कर सकते हैं, और कैसे उसकी वजह से हमारा जो नेक पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, उससे बच सकते हैं। तो गाइज, कुछ भी कन्फ्यूजन रहेगा तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, बहुत सिंपल है, कैसे बांधना है वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और गाइज, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को भी राउंडेड शोल्डर से बचा सकता है। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपको देने की कोशिश की वो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।